Hey guys, मैं हूँ रिमझिम और मैं वापस आ गई हूँ बहुत दिनों के बाद आप सभी से मिलने। और इस बार जिनकी इंटरव्यू हमने ली है वो है नन अदर देन आवर फेवरेट डीवा बाबा मैम, जिन्होंने कर्मा में मृणाल का प्लग प्ले किए थे। नॉट ओनली दैट, शी हैज बीन अ पार्ट ऑफ ब्लॉकबस्टर मूवीज लाइक बैटमैन। तो चलिए जानते हैं उनसे उनकी फोटोग्राफी वर्ल्ड, उनकी फिल्मी दुनिया, उनकी टेलीविजन वर्ल्ड के बारे में। लेट्स वॉच। मैम, हम लोगों का पहला सवाल है, आपने कर्मा सीरीज का सफर कैसे शुरू किया? एक्चुअली जब मैंने कर्मा साइन किया था, मैं ऑलरेडी अपना फर्स्ट शो क्यों होता है प्यार कर रही थी, जो टापलास के लिए ही था, वो अमित साध के साथ था। तो जब कर्मा का ऑफर आया, इट वाज माय फर्स्ट शो विद बालाजी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। काफी एक्साइटिंग था बिकॉज इट वाज सुपर हीरो काइंड ऑफ जॉनर, तो इट वाज इंटरेस्टिंग। तो दैट्स हाउ शुरू हुआ कर्मा। और कर्मा मैंने आई थिंक सवा या डेढ़ साल हमने शूटिंग की थी, बिकॉज कर्मा को एयर पे आते हो आते काफी टाइम हो गया था। जी ओके। तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल ये है, सिद्धार्थ चौधरी जिन्होंने कर्मा का किरदार निभाया था, मैम उनके साथ आपका शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था। he's a nice, decent guy. I can't say हम लोग friends बने या in touch में भी रहे, but अच्छा था। he was nice, amiable, मतलब good character. अच्छा। तो मैम इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल की ओर। कोई अच्छी यादें कर्मा के शूटिंग के दौरान जो आपको आज भी याद है, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अच्छी यादें तो जनरली हैं ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो सुपर हीरो शो था, काफी एक्साइटिंग था। हम लोग बीकानेर भी गए थे आउटडोर शूटिंग के लिए। एक्चुअली एक फनी इंसिडेंट है, क्योंकि हम लोग एक हेरिटेज पैलेस में रह रहे थे और बाकी यूनिट मतलब डायरेक्टर वगैरह एक होटल में रह रहे थे और बाकी की यूनिट दूसरी होटल में रह रही थी, जैसे नॉर्मली होता है शूटिंग क्रूज में। और मैं मतलब थोड़ी बाद में आई थी, बिकॉज मेरी शूटिंग डेट बाद में थी। सिद्धार्थ चौधरी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ शूट कर रहे थे, तो मैं जब आई तो उन्होंने मुझे एक्चुअली क्रू के यूनिट में ठहराया, ये बोल के कि मैम यहाँ पे अपने हेरिटेज पैलेस में कोई रूम नहीं है। सो ऑब्वियसली आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट, बट आई सेड ठीक है, अभी बीकानेर जैसी छोटी जगह, बॉम्बे या दिल्ली तो है नहीं कि यू नो फट से दूसरा अच्छा होटल मिल जाए। वैसे ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट डे प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझे कहा कि मैम एक्चुअली एक रूम है, आज हम लोग वही हेरिटेज पैलेस के लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, तो आपका मेकअप रूम वही होगा, आप एक बार देख लो आपके लिए ठीक है तो आपको कल उधर शिफ्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है। तो अच्छा बड़ा सा रूम था, जैसे नॉर्मली हेरिटेज पैलेस में होता है, और वो मेरा मेकअप रूम था सारे दिन के लिए, क्योंकि हम लोग वहीं पे शूट कर रहे थे, तो यू नो मेकअप टचअप कपड़े कॉस्ट्यूम चेंज व्हाटएवर उधर हो रहा था। तो आई सर हाँ ये रूम अच्छा है, मैं ले लेती हूँ। ले सर मैम सिर्फ एक थोड़ा सा ये है कि कोई कोई लोगों ने बोला है कि ये शायद हॉन्टेड है, बिकॉज जनरली जैसे सुना जाता है कि यू नो हेरिटेज पैलेसेस ऑब्वियसली यू नो इतने 100-200 साल पुराने होते हैं, तो कुछ हिस्ट्री होती है, कोई मरा होगा, कोई यू नो किसी के चक्कर में, या पता नहीं होती है थोड़ी हिस्ट्री, राइट? तो आई सर नो प्रॉब्लम। तो मैं रह गई, अभी पूरी यूनिट तो निकल गई दूसरे होटल, और जो हमारे डायरेक्टर और कैमरामैन वगैरह थे उनके कमरे, ये कमरा जो मुझे मिला एकदम पैलेस के बैक में था, और जो उनके कमरे थे एकदम सामने फ्रंट में थे जी। तो मैं रह गई, और यू नो पुराने जमाने में कभी कभी क्या होता था कि एकदम बेडरूम से लग के बाथरूम नहीं है, मतलब एक बेडरूम से एक कॉरिडोर खुलता था जो मेरे ही रूम में था, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ स्वीट यू कैन से। तो बेडरूम का दरवाजा खोल के एक कॉरिडोर था और फिर बाथरूम था, और ये पूरा मेरा था, मतलब इट्स नॉट लाइक के मैं बाथरूम शेयर कर रही थी, बट ये पूरा मेरा था। बिकॉज इट वॉज ह्यूज, मतलब मैं कैसे बोलूँ, कोई कोई हमारे बॉम्बे में तो हॉल भी किसी के इतने बड़े नहीं होते होंगे जितना बड़ा मुझे बेडरूम मिला था, राइट? तो बाथरूम जाने के लिए यू हैड टू ओपन द बेडरूम डोर, और एक कॉरिडोर था और उसके सामने बाथरूम का डोर था। तो रात को जब मैं सोने वाली थी, एक्चुअली कुछ नहीं हुआ स्पूकी, बट मैं बहुत डर गई,
बिकॉज आई जस्ट फेल्ट कि ओ गॉड, मतलब बाथरूम जाने के लिए भी रात को अंधेरा होगा, ये कॉरिडोर है, फिर बाथरूम का साइज भी मतलब बेडरूम से दो गुना ज्यादा था, यू नो नॉर्मल हमारे जो बेडरूम्स होते हैं उससे दो गुना साइज बाथरूम था. दिस इज वेरी स्पूकी, और ये जानते हुए कि ये कमरा एकदम बैक में है तो मैं थोड़ा सा डर गई. तो मैंने रिसेप्शन में फोन किया एंड जैसे मैम आप आज के लिए थोड़ा अगर मैनेज कर सकते हो तो कर लो, या तो हम तुम्हें बताते हैं पैलेस के फ्रंट में एक रूम खाली हो रहा है लेकिन हमको एक घंटे का मोहलत दो. सर से ठीक है, आप मुझे बता दो. मैं सो ही नहीं हूँ और 12 बजे मैंने शिफ्ट किया पैलेस के फ्रंट पे. सो इंसिडेंट आई थी बिकॉज काफी स्पूकी भी था, उन्होंने मुझे बोला भी था कि थोड़ा हॉन्टेड है लेकिन हुआ नहीं, लेकिन बस मैं डर गई. ओके ओके मैम, तो हम लोग का अगला सवाल है, अगर कर्मा का एक न्यू सीरीज बने तो क्या आप मृणाल का रोल करना पसंद करेंगे फिर से? नहीं, आई थिंक नॉट. वो एक टाइम था, एक फेज था एंड यू नो आई एम ओपन टू अदर थिंग्स. आई डोंट एक्ट एनीमोर. मैं फोटोग्राफर हूँ अभी फुल टाइम और होम शेफ भी हूँ. तो नहीं, मैं एक्ट नहीं करूँगी अगर अनलेस कोई बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट आया, जैसे मैंने बैडमैन किया था जी 2 साल पहले, बट नॉट अदरवाइज. I think Siddharth also अभी अमेरिका में रहते हैं anyway. Yeah. I think he's an artist or something. Yes, he is a digital artist. Right. Okay. But your fans wants to see you again on screen. I'm sure they do. In fact, a lot of people have been telling me to do like, you know, these live cooking things and stuff like that. But I don't know. I know I've been an actor, but क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा not camera shy, but एक वो फिर बहुत ये लगता है कि सब आजकल Instagram पे live video करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. I mean, कल मैं अपने friend मानसी स्कॉट के Instagram concert पे live गई थी because she's a very much promoter Reva's Kitchen and things. But मुझे उतना like मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि हर कुछ जो कर रहे हो उसका video बना के post करो. Photos तक ठीक है, वीडियोस आई फील बहुत ज्यादा ये हो जाता है, बट यू नेवर नो. आई मीन अभी आई माइट आई विल, हु नोस राइट. टाइम चेंज. या सो हम लोग का अगला सवाल, कोई अच्छी यादें क्यों होता है प्यार के समय? श्रुति शेट मैम, काम्या पंजाबी मैम, इन लोगों के साथ आपको कुछ भी अगर याद है तो शेयर कीजिए हमारे साथ. आई थिंक काम्या के साथ हमने बहुत धमाल किया था. जो वो कैरेक्टर कर रही थी वो आई थिंक एहोस्टेस भी थी और उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था शूट और काम संभालना. तो काम्या बाद में आई थी एंड श्रुति ने छोड़ दिया था जी. नो सॉरी सॉरी, काम्या केम एज रिप्लेसमेंट आई थिंक टू श्रुति. करेक्ट, आई थिंक काम्या केम एज रिप्लेसमेंट टू श्रुति. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. यस यस. तो श्रुति, या तो श्रुति ज्यादा टाइम तक नहीं थे शो पे और हम लोग ऑनेस्टली शुरुआत में ऐसे पिसते थे सुबह से लेके रात तक. उतना कुछ स्कोप नहीं था सोशलाइज करने का या यू नो थिंग्स लाइक दैट. तो श्रुति के साथ उतना वो नहीं था. दो हम लोग आजकल भी इन टच में हैं. आई मीन यू नो कभी फेसबुक पे या हम लोग एक कॉमन जगह पे जाते हैं तो वहाँ से ना फिर मिल जाते हैं. कभी कभी हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं तो हाय हेलो तो हो ही थी. बट काम्या के साथ मैंने देवदया में भी काम किया था बाद में जब वो एक नेगेटिव के उसमें आई थी. बट काम्या के साथ एक्चुअली यू नो आई थिंक योर प्यार में क्या हुआ था, अमित और मैं इनफैक्ट जब लास्ट टाइम मिले थे अभी रिसेंटली शायद 6 महीना 8 साल पहले, अभी 8 महीने पहले, हमारी बात हुई थी कि हम लोग जब इतने यंग थे ना और हम लोग ऐसे हाउ टू से सब जानते टेलीविजन में क्रेजी आवर्स होते हैं और उस टाइम हम लोग सब न्यू कमर्स थे तो किसी की कुछ नहीं चलती थी. मतलब सुबह 8 बजे घर से निकलो, अगर लकी डे हुआ आपका तो आप, मैं एटलीस्ट बिकॉज आई वाज द मेन लीड, 12 बजे आती थी ऑन अ गुड डे. नहीं तो 2, 3, 4 तो कर ही नहीं जाते थे यू नो, लाइक आराम से बच जाते थे. तो वो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग सब इतने लाइक ऑलमोस्ट लाइक बच्चे थे. तो हम लोग ने जितना भी अपना प्यार लड़ाई झगड़ा फन मस्ती वो सब सेट से ही किया है यू नो. Okay. और हम लोग सब मेनली लाइक हमारी डायरेक्टर भी काफी यंग थी, नुपुर थाना जो आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम वो भी लाइक हम सब ऑलमोस्ट हम उम्र के थे यू नो, सब लाइक लिटरली लाइक
20 ईयर्स के आसपास के थे एंड बहुत धमाल करते थे हम लोग सेट पे ही, बहुत धमाल करते थे बिकॉज पूरी हमारी टीम यंग थी. तो यू नो इट वाज गुड फन एंड पूरा कास्ट और ये सब यंग थे तो बहुत मजा आता था. तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट तो याद नहीं है बट आई रिमेम्बर काम्या ने बहुत मतलब मैड हेयर स्टाइल बनाया था बिकॉज काम्या कैरेक्टर वाज क्वाइट मैड. एंड शी वो दो जूड़ी बनाई थी मिनी माउस के जैसे. आई रिमेम्बर आई केप्ट कॉलिंग हर मिनी माउस. एंड उन दिनों वो गाना निकला था शाइनी डिस्को बॉल. तो मैं उसको मतलब वो कुछ अजीब सा डांस अपने शोल्डर्स के साथ कर रही थी और वो दो जूड़ी पहन के इट वॉज रियली क्यूट. सो आई रिमेम्बर वी स्टिल रिमेम्बर दैट बिकॉज अभी भी जब काम्या और मैं शूट कर रहे थे मेहंदे आके लिए अभी चलेगा ऐसा ही रिमेम्बर शाइनी डिस्को बॉल. सो उन्होंने कहा और हम लोग हंसे बट इट वॉज फनी यू नो लाइक हम लोग ने बहुत मस्ती किया है उस शो पे. लाइक बहुत हार्डशिप भी झेले हैं बट आई थिंक यू नो व्हेन यू आर सो यंग वो सब हो जाता है फिर बाद में उतना याद नहीं रहता सिर्फ अच्छी यादें याद रह जाती है. यू नो लाइक हमारा सेट भी एयर कंडीशन नहीं था तो हम लोग भागते थे एनी एक्सक्यूज हम लोग भाग जाते थे मेकअप रूम के यू नो थोड़ा तो रिलीफ मिले लाइट से और यू नो कपड़ों से एंड ऑल दैट बट तो इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल की ओर. मैम आपने रिसेंटली पैडमैन मूवी में एक्टिंग की है राधिका आप्टे और अक्षय कुमार जी के साथ, तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा मूवी का? बहुत अच्छा. ऑनेस्टली मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी बट जब मुझे श्रुति महाजन जो इस फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर है उनका फोन आया तो ऑडिशन फॉर पैडमैन आई सेड यू नो मैं बाल्की अक्षय कुमार राधिका आप्टे और ऐसे प्रोजेक्ट को कैसे ना बोलूं यू नो बिकॉज मैं ऑल्सो सोच रही थी कि आजकल जैसे चीजें चल रही है यू नो बहुत टैबू है औरतों की बहुत सारी पर्सनल हाइजीन और वो सब चीजों को लेके जो बहुत चली है बिकॉज ऑनेस्टली एक औरत को पीरियड नहीं होता ना तो आप और मैं पैदा भी नहीं होते. इट्स एक्चुअली अ साइन ऑफ फर्टिलिटी. इट इज नॉट अ साइन ऑफ के कुछ गंदा है या पाप है या खराब है मतलब सैड टू से लेकिन सब जानते हैं कि जब एक औरत का मेनोपॉज हो जाता है वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती उसके बाद या कोई भी वजह से अगर किसी का जल्दी प्री मेनोपॉज हो गया या कोई भी वजह से किसी का हिस्टेरेक्टमी हो जाए जहाँ पे यूट्रस उतार देते हैं फिर आपको पीरियड नहीं होता आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते. सो इट इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ. आई मीन हम लोग इतनी इजिली बोलते हैं कि हेलो हम लोग वॉशरूम जा रहे हैं यू नो लू जा रहे हैं पी करने या पूप करने. तो अगर एक औरत को पीरियड है भगवान ने हमें ऐसे बनाया है राइट तो इतना टैबू क्यों है. एंड ऑल्सो आई थिंक एक सोशल अवेयरनेस के लिए आई मीन आपको याद होगा कि एवरीवन फ्रॉम ऑल द टॉप स्टार्स इन द इंडस्ट्री सब ने एक पैड लेके इंस्टाग्राम पे इतना लाइक पोस्टेड ऑल आई थिंक वी रियली ब्रोक द इंटरनेट व्हिच वाज वेरी गुड एंड आई थिंक मच रिक्वायर्ड बिकॉज हम लोग इतना शर्मा शर्मी करते हैं ना पैड के पैकेट के न्यूज़पेपर में लपेट के लेके जाओ या काले बैग में क्यों यू नो एक आदमी को अगर अपना कुछ करना पड़ता है सॉरी टू से बट अब एक आदमी अपना क्रॉच खुले आम पब्लिक में खुजा सकता है. हम तो ऐसी चीजें नहीं करते जो भगवान ने हमें नेचुरली दी है उसमें इतनी शर्म और छुपा छुप क्यों यू नो राइट वेरी जी. तो हमारा अगला सवाल है क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सफर अपने कैसे शुरू किया? ओह गॉड वो एक्चुअली बहुत एक फनी इंसिडेंट है. जब मैं एक्चुअली मॉडल थी और टेलीविजन नहीं करना चाहती थी क्योंकि जब लोग पूछते थे एक्चुअली लाइक नो नो आई कांट डू टीवी बहुत वो यू नो लाइक कैसे ये लोग काम करते मैंने सुना था राइट. तो लेकिन जब मैंने एक ऐड किया था कैडबरी डेयरी मिल्क का तो वो ONM एजेंसी ओगिलवी एंड मेथर के जो वहाँ पे थे तरुण कटियाल वो उन्होंने स्टाफ प्लस ज्वाइन किया और क्यों थे प्यार के लिए उनको फीमेल लीड नहीं मिल रही थी तो तरुण कटियाल ने मेरा नाम सजेस्ट किया था नीना जी को नीना गुप्ता के प्रोडक्शन हाउस को टू ऑडिशन में. तो दैट्स हाउ क्यों थे प्यार मिला. तो उस टाइम सबने बोला कि अरे हाउ यू डूइंग टीवी सीरियल्स आई सेड वेल एटलीस्ट इट्स नॉट अ फास्ट बहू शो. देन जैसे मैंने आपको बोला कि कर्मा का जब फोन आया बालाजी से तो ऑलरेडी मेरा एक पैर बालाजी के अंदर घुस चुका था राइट विद कर्मा क्योंकि कर्मा की शूटिंग एक्चुअली क्यूकी से पहले शुरू हुई. फिर एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है मैं देर रात को आई थी क्योता क्या की शूटिंग से सो रही थी 9 बजे का शिफ्ट था. सुबह उठी और मेरे वॉइस मेल पे एक मैसेज था सेइंग एकता वांट्स यू फॉर क्योता प्यार अनसॉरी क्योता प्यार पे
एकता उनसे वो क्योंकि साथ में कभी हुआ थी सो यू नीड टू स्टार्ट शूटिंग फ्रॉम टुमारो प्लीज कॉल अस एज सून एज यू गेट दिस मैसेज एंड आई वाज लाइक व्हाट यू नो सो लिटरली मैंने लाइक उनको जिन्होंने भी फोन किया था मैंने उनको मैसेज भेजा कि यू नो उन दिनों व्हाट्सएप तो था नहीं I said, listen, I'm already playing the main lead on another show and I have a 9 o'clock shift. Call me up when you get this. And I remember Sunday, tha, mereko achi tarah yaad hai. So I said, call me up when you get this message and let's talk. You know, so phir unhone phone kiya, humne role ke bare mein discuss kiya, ye wo. And literally, you won't believe, maine us din pata nahi kaise kyun tha, pyar mein jaldi pack up ho gaya, koi shayad 10, 10:30 tak. और मैंने उनको बोला दोनों स्टाफ प्लस की शो थे तो मैंने अपने ईपी को बोला कि होता है प्यार के कि मुझे ऐसे ऐसे क्योंकि का ऑफर आया तो इट वाज गुड फॉर आर सिंगल को ना क्योंकि होता है प्यार सो दे सेड अच्छा वेरी गुड सो आई सेड इसके बाद मैं वहां रात को शूटिंग करने जाऊंगी तो दे सेड ओके ओके तो मैं फिर निकल गई और मेरा पहला सीन मुझे याद है हितेन तेजवानी और संदीप बसवाना के साथ था कमाल अमरोही स्टूडियोज में जेल में मैं न्यूज रिपोर्टर के उससे गई थी एंड उस टाइम हितेन कैरेक्टर जो करण वो मेरे लव इंटरेस्ट लाइक एक्स बॉयफ्रेंड के जैसे ऐसे कुछ तो इंट्रोड्यूस किया था तो दैट्स हाउ लिटरली दैट्स हाउ क्यूकी हैपेंड ओके तो मैम हम लोग का अगला सवाल आपने क्योंकि मैं एक्ट किया क्यों होता है प्यार कर्मा जैसे सीरीज में एक्टिंग किया तो मैम कितना अलग होता है एक रोमांटिक ड्रामा और एक सुपर हीरो ड्रामा में काम करना वो बहुत फर्क होता है बिकॉज क्योंकि काफी लाइक फैमिली ड्रामा अलग होता है और यू नो एन एक्शन सुपर हीरो टाइप ऑफ शो बहुत अलग होता है मतलब उसमें मेरा लुक था लाइक जीन्स एंड टॉप्स एंड वेरी लाइक यू नो कूल एंड यू हैड टू बी फन एंड ऑल दैट क्योंकि मैं शुरू में इट वॉज आई थिंक लाइक यू नो पैंट्स एंड कुर्तीज एंड सलवार कमीज बट देन कुछ ही टाइम में मेरी कैरेक्टर्स की शादी हो गई फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वो सब तो प्रॉपर बहू यू नो सारी उसमें हो गया तो बहुत फर्क है आई मीन ये पूरा फैमिली ड्रामा है वो पूरा फन यू नो लाइक बैड गाइज गुड यू नो गुड सुपर हीरो एंड बैड विलन होते हैं वो सब एंड ऑल्सो बट देन आई थिंक एक्टिंग की वही एक खूबी है कि आप जैसे ही जाओ और वो कपड़े पहन लो आप वो कैरेक्टर बन जाते हो राइट जैसे नॉट लाइक जो जब डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं आप उस शो में वही किरदार बन जाते हो बिकॉज सब जानते हैं कितना कितनी बार होता था कि हम लोग डबल शिफ्ट करते थे तो आप एक दूसरी से दूसरे एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हो और वो हाँ इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब मैंने क्योंकि शुरू किया था एक उस टाइम फिर मेरी शादी हो गई क्योंकि में गौंदी के साथ और फिर एक ही दिन में मैं शाम को क्यों तक आपसे सेट पे भाग रही थी तो मैं वहां गई एंड आई रिमेम्बर मैं सेट पे आई शायद कपड़े बदल के इस शूट के लिए एंड काम्या टोल्ड मी जैसे ए तेरा गौंदी दिख रहा है तेरे माथे पे बिकॉज आई हैड नॉट टेकन अप माय सिंदूर प्रॉपरली क्योंकि एंड योर प्यार में आई वाज सेइंग अ यंग कॉलेज किड तो काफी फनी था मुझे सर तेरा गौंदी दिख रहा है आई एम लाइक दैट वाज फनी दैट वाज वो एक बट इट वाज फन इट वाज अ लॉट ऑफ फन तो मैम एज अ फोटोग्राफर आपका बेस्ट मेमोरी क्या रहा ओह गॉड कैसे बोलूं मैं अभी मेरा एक्चुअली बहुत अच्छा गुड लक रहा है कि भैया मिर्जा मेरी मॉडलिंग दिनों के टाइम से फ्रेंड है हमने पैरिस में एक साथ एक शूट भी किया था आशा भोसले के वीडियो के लिए अलग अलग वीडियो बस साथ में रहे थे एंड आई थिंक somehow मेरे काम के उसने कल की केकियां को मैं एक्चुअली बिल्कुल नहीं जानती थी बट शी इज सच अ वंडरफुल पर्सन मुझे उनका नंबर मिला और मैंने उनको मैसेज किया कि मैं ऐसे ऐसे यू नो ये मेरा ये बैकग्राउंड है मैंने हाल ही में मारिया गोरेटी और आमिर साद के फोटोज लिए हैं और मैं अभी अभी पैरिस से क्रॉस करके वापस आई हूँ तो आई वुड लव टू फोटोग्राफ यू क्या आप इंटरेस्टेड हो और मैंने उनको कुछ फोटोज भेजे आमिर साद के और मारिया के एंड ऑल दैट एंड शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी जस्ट सेड ओके ये दिन दिस दैट सो शी वॉज रियली रियली नाइस वेरी चिल्ड आउट फिर आई थिंक एक ये भी होता है कि यू नो आप अगर स्टार्स को शूट करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली देन दे लाइक यू नो पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू गिविंग यू मोर वर्क तो वो एक अच्छा रहा तो एक्चुअली गलत होगा ये कहना कि यू नो क्या सबसे मेमोरेबल मेमोरी है बिकॉज ऑनेस्टली मेरे हर शूट पे कुछ अच्छा मैजिक होता है यू नो मैजिक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा सब्जेक्ट के साथ
मैं बहुत सारी वेडिंग शूट करती हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आप एक वेडिंग से दूसरी वेडिंग जाओ, यू नो कपल्स की हिस्ट्री अलग होती है, उनकी कहानी अलग होती है, उनके यू नो लव स्टोरी या अरेंज या लव कम अरेंज या जो भी हो, सबकी स्टोरीज अलग होती है. सो दैट इज रियली नाइस. तो अभी इनफैक्ट हमने लास्ट लॉकडाउन के पहले गोवा में एक बहुत बड़ी वेडिंग शूट की थी. So that was also a lot of fun. Because we had Salim Suleiman performing. Couple bhi hamara bahut sweet the. You know. In fact, yeah. wo bichare 3 months ke liye New Zealand mein honeymoon ke liye stuck ho gaye ye lockdown ki wajah se. Okay. So, I can't say ke ek koi aisa shoot hai. Richa Chadda was also a lot of fun. Okay. Maria was also lovely. In fact, Maria bhi meri old pehchan friend mein se hai. So, यू नो यही इंसान करता है ना, अपनी जान पहचान में लोगों को फोन करके बोलता है चलो आई स्टार्टेड डूइंग दिस लाइक यू नो लेट्स शूट समथिंग. तो अमित के साथ भी ऑब्वियसली ऐसे ही हुआ बिकॉज अमित और मैं काफी सालों तक टच में नहीं थे क्योंकि वो अमेरिका चले गए थे एंड ऑल, बट फिर हमारा रिकनेक्ट हुआ. मारिया कल्कि इट्स ऑल बीन अ रियली रियली गुड राइड, यू नो गॉड विलिंग दैट्स ऑल. अमित साथ वाज योर फर्स्ट कोस्टर राइट मैम? यस. Okay, तो उनके साथ आपका शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा अमित शाह जी के साथ? एक्चुअली आई थिंक शुरू में अमित और मेरी लड़ाई काफी होती थी बिकॉज मैं बहुत यंग थी और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि टीवी सीरियल में ऐसे मतलब you know crazy hours काम करने पड़ते हैं. We used to watch the show when we were kids that time. I know, I can imagine. I was also a kid, no? I mean older than you, but yeah. I was also a kid. So I used to be like, oh God, and then you know, kabhi-kabhi like, Amit was a different person then. He's a really, really changed, different guy now. And you know, kabhi-kabhi wo aate the, kuch hota tha ya kuch, you know, and I think ladko ko thoda zyada hi josh hota hai, to kuch hota tha. And honestly, as the main lead, jaise ki sab jante hain, TV serial mein female main lead ka mostly zyada kaam hota hai. So Amit nikal jate the, mere phir bhi you know kuch scenes hote the, puri unit ki Sunday ko chutti hoti thi, matlab pure cast ki. मेरा काम होता था क्योंकि द गर्ल हु वाज प्लेइंग माय सिस्टर वो कॉलेज जाते थे जूनियर कॉलेज और उनकी छुट्टी संडे को होती थी, तो मेरे घर के सीन संडे को होते थे. एंड यू नो आई वाज लाइक 20 समथिंग माइसेल्फ, तो मुझे लगता था क्या यार सब मेरे फ्रेंड ब्रंच पे जा रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, संडे है, मैं पेल रही हूँ यहाँ पे. तो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी. तो बट फिर भी आई थिंक एक स्पेशल प्लेस हमें तो मेरे लिए हमेशा रहेगा दैट क्यों होता है प्यार वर्ल्ड यू नो लाइक अपोज शो आपने कहा आज तक लाइक सी इट्स वेरी एक्सपेक्टेड के कोई मुझे दामिनी के किरदार से पहचाने यू नो फ्रॉम क्यूकी, बट आई लव इट बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल आज तक दे कम अप टू मी एंड से यू नो वी यूज़ टू वॉच यू एंड वी यूज़ टू लव निकी सो मच एंड वी यूज़ टू वॉच यू व्हेन योर किड्स इन स्कूल. And such a nice feeling, you know, that like yeah. Kabhi-kabhi I think khudne to samajh mein bhi nahi aata tha ki show kitna popular hai, you know. Un dino ke show itna hi popular the, aaj kal aise show hi nahi bante hai. I don't know, sunne mein to aise hi aaya hai ki show aaj kal 4 mahine 2 mahine bhi nahi tikte, which is very sad. I think audience bhi kaafi fickle ho chuki hai and ab ye sab OTT platforms ke saath. मृणाल का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही पॉपुलर था, तो मैं अपने कर्मा का शूटिंग क्यों छोड़ दिया था? कर्मा बंद हो गया था आई थिंक. ओके, मैंने छोड़ा नहीं था कर्मा फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों. अभी आप लोग इतना बोल रहे हो कि इतना पॉपुलर है एंड ऑल, ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है कि कर्मा बंद क्यों हुआ था, बट आई नो बंद हुआ था बिकॉज हम लोग यू नो उस सुपर हीरो शो की ना प्रोडक्शन वैल्यू थोड़े ऊंचे लेवल पे होती है. जैसे कि मैंने कहा बीकानेर में शूटिंग एंड नॉर्मली टीवी सीरियल्स की ऐसी शूटिंग नहीं होती है, यू नो एक बॉम्बे में कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में सेट पे होता है. ठीक ठीक. तो I don't know why कर्मा बंद हुआ, but मैंने नहीं छोड़ा था कर्मा अपने आप ही मतलब. अच्छा अच्छा. तो मैम हम लोग का आखिरी सवाल, आपके जितने भी फैंस हैं उन सब के लिए कोई मैसेज?
मैं यही कहना चाहूंगी कि ऑनेस्टली किसने सोचा था कि हमारे लाइफ टाइम में हम एक पैंडेमिक के थ्रू डिस करेंगे, अभी तक कोविड कोविड के पीछे ही लगे हुए हैं. एंड यू नो सो बेसिकली मेरा मैसेज यही होगा कि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. यू नो यू वोंट बिलीव, जब शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की, हमने सोचा था ठीक है चलो दो हफ्ते बाद मिलेंगे, यू नो काम फिर से शुरू करेंगे. एडिट बची हुई थी बिकॉज सब जानते कि वेडिंग सीजन हमारा नॉर्मली विंटर्स में होता है, तो इतनी सारी शादियों की एडिट बाकी थी, यू नो जैन फेब वेडिंग की, मार्च की. किसने सोचा था हम लोग ऐसे 100 दिन लॉकडाउन में चले जाएंगे, यू नो, एंड लाइफ विल नेवर बी द सेम. सो आई जस्ट फील बी ट्रू टू योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर वर्क, यू नो मेहनत करो, बी ऑनेस्ट अबाउट योर जॉब. लाइफ बेसिकली लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो प्लीज जस्ट बी ऑनेस्ट. मैंने ये देखा है कि जो अच्छे लोग थे वो और भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं, जो थोड़े कैसे बोलूं मैं, लोग जो थोड़े अनहैप्पी रहते हैं या थोड़े बिजी या जो भी होते हैं लाइफ में, मेरे ख्याल से ये टाइम उनके लिए अच्छा नहीं रहा है. एंड अनफॉर्चुनेटली वो थोड़े और ऐसे बिटर हो गए हैं. सो डोंट डू दैट. एंड लाइफ में अप्स एंड डाउन हमेशा आएंगी, हम सबकी लाइफ में आए हैं. यू नो आई एम श्योर सिद्धार्थ ने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा होगा कि वो अमेरिका जाके यू नो ही इज गोना बिकम लाइक अ ग्राफिक डिजाइनर, यू नो लाइक एन आर्टिस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी, यू नो. ओके, सो लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. बी ट्रू टू योर सोल, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन. एंड ऑनेस्टली जो बोलते हैं ना लोग कि ट्राई अंटिल यू सक्सीड, बिकॉज मेहनत में ही फल है, यू नो देयर इज नो इजी वे आउट. आपका बहुत कम लोग होते हैं जो यू नो तुक्का मार के कुछ चल जाता है और उनकी किस्मत निकल आती है और सब उनके लिए सही जाता है, बट जनरली एज अ थंब रूल मेहनत करनी पड़ती है. जस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्रू टू योरसेल्फ, मेहनत करो एंड यू विल डेफिनेटली रिसीव द फ्रूट.